हेलो नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल एट क्रैक ग्रेड बी इन द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी। टुडे वी विल डिस्कस वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव प्रिपेयर्ड अ स्टडी मटेरियल फॉर दी ऑल दीज थ्री सब्जेक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इंडियन इकोनॉमी। इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस मटेरियल, इट विल कॉस्ट यू 1699 फॉर ऑल दीज थ्री मटेरियल। And if you want to purchase industrial relation, labor law, social security, general accounting principle only, it will cost you 1499. And if you want to purchase industrial relation, labor law, social security only, it will cost you 1299. So friends, इस वीडियो के नीचे लिंक में सैंपल दिया है मटेरियल का, आप उसको जाके वहां से चेक कर सकते हैं और सेटिस्फाई हो सकते हैं। और अगर आप ये मटेरियल हमारा खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.crackgradebee.com को जाके विजिट कीजिए। वहां पे मटेरियल सेक्शन में, ईपीएफओ सेक्शन में जाके आप जैसे ही इस मटेरियल को परचेज करते हैं, इसकी हार्ड कॉपी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दी जाएगी। और अभी लॉकडाउन की वजह से वी आर नॉट एबल टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ दिस मटेरियल, तो वी हैव मेक अ प्रोविजन दैट आप इसको अभी ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं एज सुन एज आप जैसे इस मटेरियल को खरीदते हैं। और 2017 के क्वेश्चन पेपर में इसमें से एक या दो सवाल आए थे, और वी कैन एक्सपेक्ट टू और थ्री मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन अपकमिंग एग्जाम। सो वी विल डिस्कस वेरियस टॉपिक रिलेटेड टू दिस वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग एंड वेरियस डेफिनेशंस गिवन बाय द वेरियस स्कॉलर्स, एंड वॉट आर द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड। सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट रिफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉइज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस of the organization. So worker participation give employee the mental and psychological satisfaction by increasing their involvement in the affairs of the organization. So what do you understand by this? For example, there is workers committee. And what is the role of the workers committee? Do you know? Workers committee can be formed for solving the day-to-day problem faced by the workers. And in this workers committee, employer or employee, दोनों की तरफ से representative होते हैं। तो for example, अगर कोई safety या drinking water की problem है, तो उसको ये jointly solve कर सकते हैं। अब what is the significance of participation of worker in this workers participation management process, that they can take decision. और अगर वो decision लेते हैं तो it means कि वो industry से mentally and psychologically जुड़े हुए हैं। तो ये दो two words represent that mental and psychological satisfaction and involvement of the workers in participation through participation for solving डे टू डू प्रॉब्लम और एनी कॉन्फ्लिक्ट और एनी डिस्प्यूट। अगर आप अभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ेंगे 1947, तो उसमें इसके लिए प्रोविजन दिया है, वो हम लोग बाद में आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी हम डिस्कस करेंगे कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ WPM, दैट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, एंड वॉट आर द डेफिनेशन गिविन बाय द वेरियस स्कॉलर्स। सो नाउ कीथ डेविस ने क्या बोला, पार्टिसिपेशन इज अ मेंटल एंड emotional involvement of a person in a group situation which encourage to contribute to group goals or objective and share responsibilities. अभी जो मैंने आपको example दिया उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। For example, अगर आप किसी भी industry में देखते हैं कि वहां drinking water की problem है, और अगर आप individually शिकायत करेंगे मैनेजर से, ओनर से, तो शायद उस ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया जा सके, और हो सकता है कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की वजह से वर्कर्स भी अपना प्रोडक्टिविटी और आउटपुट अच्छे से ना दे पा रहे हो।
तो इस केस में अगर कोई कमेटी है, वो कमेटी उस जगह को इंस्पेक्ट करे कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज नहीं है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट को सजेशन दे, और खुद भी उसमें अगर जो कर सकती है वर्कर्स की वर्कर्स लेवल पे, तो वो खुद भी अपना कुछ करके दिखाए उसमें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो गया किसका, वर्कर्स का, और ये क्या करेगा, उसको एनकरेज भी करेगा वर्कर्स को टू कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रुप गोल्स और ऑब्जेक्टिव एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज तो हो गई, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको मेंटेन करने का काम किसका है, वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स ही है वहां पर। तो वो क्या है, उस ग्रुप गोल्स को अचीव करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर भी करेंगे। तो वर्कर्स कमेटी जो वेलफेयर एक्टिविटीज को देखती है, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का। तो केथ डेविस की जो डेफिनेशन है, उस एग्जाम्पल में काफी हद तक फिट बैठ रही है। नाउ आईएलओ, व्हाट आईएलओ सेज, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मे बी ब्रॉडली बी टेकन टू कवर ऑल टर्म्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स इन देयर रिप्रेजेंटेटिव विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए, सबसे चार पांच चीजें आप इनको याद कर लो, रट लो। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रेंजिंग फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसल्टेशन, डिसीजंस, नेगोशिएशंस एंड टू मोर इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म सच एज द प्रेजेंस ऑफ वर्कर्स मेंबर एंड मैनेजमेंट सुपरवाइजर्स बोर्ड्स और इवन मैनेजमेंट बाय द वर्कर्स देमसेल्फ। तो आईएलओ की डेफिनेशन भी आप ऊपर से अगर देखना चाहेंगे तो उसी एग्जाम्पल में फिट हो रही है। इसने क्या कहा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रेंजिंग फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसल्टेशन, डिसीजन, नेगोशिएशन टू मोर इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म सच एज द प्रेजेंस ऑफ वर्कर्स मेंबर्स ऑन मैनेजमेंट और सुपरवाइजर्स बोर्ड्स और इवन मैनेजमेंट बाय द वर्कर्स देमसेल्फ। बिकॉज की ये जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है, ये थ्रू रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वर्कर और फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, दोनों की हेल्प से होता है। तो इट इज अ जॉइंट कंसल्टेटिव प्रोसेस, इसमें आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी कर रहे हैं, कंसल्ट भी कर रहे हैं, डिसीजंस भी ले रहे हैं, नेगोशिएशन भी कर रहे हैं किसी इशू को लेके, किसी टॉपिक को लेके। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इट इज इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय वर्कर्स मेंटली एंड साइकोलॉजिकल टू द प्रॉब्लम एंड इट विल डेफिनेटली गोइंग टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन विच वी विल डिस्कस इन अवर लेटर स्लाइड्स। सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू इन्वॉल्व वर्कर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टू involve worker mentally and psychologically to the problem, and to more institutionalized form such as the presence of workers members on management or supervisory boards। ये देखिए सारी process, अभी तो ये एक general definition है, but when we will talk about workers participation in management in the context of India, then we will see there are various forms which India is using to fulfill, to show their contribution as the workers participation management in industry. Now we'll see various definitions given by the various scholar in different countries. Friends, can you think what is the reason there are ample of definitions given by the different scholars from different countries? Because the reason is political situation. Second reason is economy. Third reason is democratic setup. Fourth reason is industrial development. So these are the four reasons by which we can say that there are various definitions given by the different scholars. So we can say that if we will take example of this Great Britain, you can say that in Great Britain and Sweden,
द कमेटी फॉर्म इज कॉल्ड जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी. इन फ्रांस वर्क कमेटी. इन को डिटर्मिनेशन कमेटी इज फॉर्म इन वेस्ट जर्मनी. जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल फॉर्म इन बेल्जियम. वर्कर्स काउंसिल एंड मैनेजमेंट बोर्ड फॉर्म इन यूगोस्लाविया एंड यूनियन मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन इन यूएस एंड इंडिया लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म. सो इन नटशेल वी कैन से दैट ईच एंड एवरी कंट्रीज पॉलिटिकल सिचुएशन इकोनॉमी एंड डेमोक्रेटिक सेटअप प्लस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिटरमाइंड कि वहां का वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज मोर डेमोक्रेटिक देन एनी यूरोपियन कंट्री. वी कैन से दैट, वी कैन इमेजिन दैट. बट अगर हम उस बेसिस पर चलें तो इंडिया का जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होगा उसका जो लेजिस्लेटिव बैकअप होगा वो डिफरेंट होगा यूरोपियन कंट्री से. वहां की इंडस्ट्री डिफरेंट है फ्रॉम इंडियन कंट्री. तो वी कैन से दैट ईच एंड एवरी कंट्री हैव देयर ओन वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट सिनेरियो एज पर द सिचुएशन प्रिवेल इन देयर कंट्री. एंड दीज सिचुएशंस आर पॉलिटिकल सिचुएशंस, इकोनॉमिक सिचुएशंस, डेमोक्रेटिक सेटअप एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. नाउ वी विल सी द वेरियस डेफिनेशंस गिवन बाय द डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन गिवन बाय द वॉलपोल. देखिए दोस्तों जितने भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन वो डेफिनेशन जो है वो एक ही तरफ इशारा करेंगी. वो क्या होगा कि वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और उनका इन्वॉल्वमेंट इमोशनली और साइकोलॉजिकली होना चाहिए इंडस्ट्रीज से, ताकि वो इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन और ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें. तो पहले वॉलपोल की डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं. इट गिव द वर्कर अ सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस प्राइड फ्रीडम ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द प्लेस. केवल आप एक एग्जाम्पल लेके चलो और उसमें ही सारी की सारी डेफिनेशन को फिट करो. फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी भी इंडस्ट्रीज में अगर लेबर वेलफेयर या वेलफेयर कमेटी देखी फॉर सेफ्टी वर्किंग हेल्थ कंडीशंस के लिए, तो उसमें सारी की सारी डेफिनेशन फिट हो रही है. अगर वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा हेल्थ सेफ्टी ड्रिंकिंग वाटर और जितने भी इश्यूज हैं और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आप यू कैन इमेजिन दैट कि वो सारी की सारी प्रॉब्लम को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो ये डेफिनेशन थी वॉलपोल की जिसने बिलोंगिंगनेस और इंपॉर्टेंस को बताया. नाउ वॉट मिस्टर क्लैक सेज, ही सेज इट इंप्लाइज अ सिचुएशन वेयर वर्कर रिप्रेजेंटेटिव आर टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में आपको जाके बिठा दिया उसने, बैठ के बात करो, डिसीजन लो प्रॉब्लम का, बट वेयर द अल्टीमेट पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजमेंट. देखिए ये एक्चुअली डेफिनेशन बहुत पुरानी है, उसके बाद बहुत डेवलपमेंट हुआ है. डेवलपमेंट में आज की डेट में डेवलपमेंट जो हुआ है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में, उसमें कई सारी चीजें चेंज हुई हैं. और इन इंडिया वी विल टॉक विद रेस्पेक्ट टू इंडिया ओनली, देखेंगे कि बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दी गई है उसको, और किस तरह से वर्कर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज में. नाउ एक डेफिनेशन है बीजी मेथेस्टास की. द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेशन मीन्स शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग पावर बाय द रैंक एंड फाइल ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेशन. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में इनको वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के बारे में डिफाइन किया है उस एक्ट में, 1947 के एक्ट में. उसके बाद तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, वो हम देखेंगे आगे. नाउ एट ऑल एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द एंटायर रेंज ऑफ मैनेजरियल एक्शन. इसने केवल एक बात बोली कि डिसीजन मेकिंग पावर आपने वर्कर्स को दे दी और उनका रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट में दे दिया. इट इज कॉल्ड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय द मिस्टर वीजी मेथेस्टास. नाउ वी विल सी ऑब्जेक्टिव ऑफ द
वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट. देखिए कोई भी प्रोसेस होती है, चाहे वो कलेक्टिव बार्गेनिंग हो, चाहे वो वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट हो, ट्रेड यूनियन हो, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है. तो इसके ऑब्जेक्टिव को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एथिकल और मोरल ऑब्जेक्टिव. अब इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे. सेकेंड इज सोशल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. नाउ वी विल सी इन डिटेल ईच ऑफ ऑब्जेक्टिव. द फर्स्ट इज एथिकल और मोरल ऑब्जेक्टिव, सोशल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इन एथिकल एंड मोरल ऑब्जेक्टिव वी कैन से दैट अ मोरल कॉन्टेक्स्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इज डिजाइन टू प्रमोट इंडिविजुअल डेवलपमेंट और फुलफिलमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ human rights and dignity to which the universal declaration human rights 1948 probably gives the most widely published expression. ab is definition mein aap ek cheez isko samajhne ki koshish kijiye. workers participation is a system, it is a type of system where the workers get their right to participate in decisions on the issue which are concern of the workers, like wages, working condition, safety, welfare, sharing of gain, production related aspects and incentives and allowances. So in ethical and moral objective we can say somehow that we are fulfilling the human rights given by the Universal Declaration of Human Rights in 1948. How? देखिए इसमें आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए. आप वर्कर्स को राइट दे रहे हैं उनकी वेजेस को, उनकी वर्किंग कंडीशंस को, उनकी सेफ्टी को, उनके वेलफेयर, शेयरिंग ऑफ गेन एंड प्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने का. तो अगर किसी वर्कर्स का राइट है कि उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, उसकी वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन हैजर्डस तो नहीं है, अगर हैजर्डस है तो उस केस में उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर वो ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा है, इट मींस ही इज सेटिस्फाइंग इज एथिकल एंड मोरल ऑब्जेक्टिव एंड ही इज गेटिंग हिज एथिकल एंड मोरल ऑब्जेक्टिव एंड ही इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948. सो the first objective of workers participation in management is to fulfill the ethical and moral objective of any worker and give them rights to discuss their working conditions, wage, safety, welfare, sharing of gain, etc. jo bhi uske human rights ko, uske rights ko violate kar raha hai, usko workers participation management consultative process ke andar usko ek chance dena chahiye ताकि वो इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके और इन सारे के सारे इश्यूज जो कि एक तरह से उसके राइट्स भी हैं उसको डिस्कस कर सके. नाउ द सेकेंड इज सोशल पॉलिटिकल. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सीज टू हैव मच सिग्निफिकेंस इन द एब्सेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक लाइफ. अ सिटीजन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द सफिशियंट नेचर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इफ ही इज डिनाइड डेमोक्रेटिक राइट इन हिज इकोनॉमिक लाइफ. सो वी कैन से दैट अगर आपने किसी कंट्री में वहां के लोगों को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दी है, तो एक वर्ड और है जो है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, जो उसके लाइफ में और जो उसकी प्रोसेस में जुड़ना चाहिए. इंडस्ट्रीज में भी डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट? एज वी थिंक इट इज ऑल्सो फुलफिलिंग द सोशल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव. बिकॉज अगर आप किसी वर्कर्स को पार्टिसिपेशन का मौका दे रहे हैं, देन यू आर सोशली एंड पॉलिटिकली डेमोक्रेटाइज योर इंडस्ट्री और आप वर्कर को रिप्रेजेंट करने का मौका दे रहे हैं इन अ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेटिक सेटअप. ओके, नाउ विल सी नेक्स्ट. इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो अभी हमने डिस्कस किया ऊपर, सोशल ऑब्जेक्टिव. देखिए
it is one of the important aspects of the industrial democracy. Actually, it is distribution of social power in industry so that the power is shared among all those who are engaged in work and their power being concentrated only in the hands of few managers. देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए आप, ये कोई इंडस्ट्री है, मैं इसको आई कर देता हूं, ये है मैनेजर्स, ये है वर्कर्स, ठीक है। अब मैनेजर्स को आपने मोर पावर्स दे दी, और वर्कर्स के पास है लेस पावर्स, यहां से आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, क्या ये दोनों सोशली रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नो, नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इसको ज्यादा पावर दे दी, इसके पास कम है। तो अगर आपको एक इंडस्ट्रीज में सोशली और पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक सेटअप लाना है तो आपको इनको इक्वल पावर देनी होगी, इक्वल पावर्स, तब आप कहीं सोशली और पॉलिटिकली इनको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो इंडस्ट्रीज के अंदर। तो मैनेजर्स और वर्कर्स को इक्वल पावर देना इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। क्लियर? कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, अगर मैनेजर्स का उसमें बोलने का अधिकार है, उसको राइट्स है, तो उतना ही राइट्स वर्कर को भी होना चाहिए। तो इट शोज दैट वर्कर्स आर सोशली एंड पॉलिटिकली giving rights. Okay, now economic objective, ये कैसे fulfill होता है इससे? देखिए, economic objective relate directly or indirectly to the increasing of efficiency. अब आगे बात, important बात आई efficiency की। अब कोई worker है, आप उसको involve ही नहीं करोगे किसी भी process में, represent ही नहीं करोगे management में, तो क्या आपको लगता है कि वो उतना output, उतनी efficiency, उतना production दे पाएगा? Never. कभी नहीं देगा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होगा? अब वर्कर को एसोसिएट करो वर्क्स में, डिसीजंस लेने में, तो वो क्या करेगा? वो इंप्रूव करेगा क्वांटिटी को, क्वालिटी आउटपुट देगा, और यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक, सारी की सारी चीजें वो फुलफिल करेगा। मतलब अगर आपने WPM यानी कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया तो इट विल हेल्प इंडस्ट्रीज इकोनॉमिकली। वर्कर्स इन्वॉल्व हो गया, उसको लगा कि हाँ मुझे डिसीजन मेकिंग में कुछ चांस दिया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, तो वो आपकी क्वालिटी, क्वांटिटी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी सबको इंप्रूव कर देगा, और इंडस्ट्री ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी लेबर को, रॉ मटेरियल्स को, इक्विपमेंट्स को। और अगर वर्कर्स ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई वर्कर जो है सीएनसी मशीन्स पर काम कर रहा है, उसको लगा कि इसमें किसी प्रोग्रामिंग में इंप्रूवमेंट करना है ताकि मेरा जो रिवर्क है या फिर मेरा जो गार्बेज है या मतलब वेस्ट मटेरियल है वो ज्यादा निकल रहा है, और उसने कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग डेवलप कर ली जिससे सीएनसी मशीन्स पर आपने टूल की भी सेविंग कर ली और वेस्ट मटेरियल को भी कंट्रोल कर लिया, तो इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्निक। और अगर आप वर्कर को इस पे दुखी रखेंगे, उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और वो इंडस्ट्रीज को अपना नहीं मानेगा, तो वो ऐसे इंप्रूवमेंट क्यों लाएगा? तो इसकी एक प्रोसेस थी सजेशन स्कीम्स, जो हम देखेंगे जो ज्यादातर स्कीम्स में, ज्यादातर इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होती है। तो थ्रू सजेशन स्कीम्स वर्कर कैन इन्वॉल्व इन अ वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट प्रोसेस for improving the for introducing a new technology. Okay, now further we can say that there are various process, various objective we are fulfilling by introducing a workers participation management in an industry. That is better communication, mutual understanding, communication better hoga. वर्कर मान लीजिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है जिसको रिजॉल्व करना है, वर्कर्स और मैनेजमेंट के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो देखिए कम्युनिकेशन कितना बेटर होगा, आमने सामने बैठ के बात करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी दोनों के बीच में, एंड प्रोडक्टिव इंप्रूव होगी, जो मैंने भी आपको ऊपर एग्जांपल सेट किया सीएनसी मशीन का। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, नाउ अब एक बात करते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस
बेटर कम्युनिकेशन जो भी मैंने ऊपर डिफाइंड किया वो कैसे इंप्रूव होगा? देखिए प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगी, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स आर ट्रीटेड एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रोडक्टिविटी के लिए इंडस्ट्री काम कर रही है, जब उसकी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी उसको फायदा नहीं होगा तो इंडस्ट्री क्यों सेटअप करेंगे, एंड एफिशिएंसी। सो जब आप वर्कर्स को, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि वर्कर्स को आप इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और उसको इन्वॉल्व करेंगे इंडस्ट्री से इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, दैट विल इंक्रीज हिज मोरल एंड वर्कर सेटिस्फाई विद देयर पार्टिसिपेशन विद द मैनेजमेंट टेकिंग वर्क रिलेटेड डिसीजंस। अल्टीमेटली WPM इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है अगर आप WPM को इंट्रोड्यूस करते हैं। WPM डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट, सो दे कैन बेटर अंडरस्टैंड देयर वर्क, यस डेफिनेटली, एंड इट कैन मेंटेन अ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। इट क्रिएट्स डेमोक्रेसी, बता दिया मैंने भी आपको कि डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे होगा। पीस, मान लीजिए कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपस में और अगर उसको मैं जॉइंट JCM जॉइंट कंसल्टेटिव प्रोसेस से सॉल्व कर रहा हूं तो देखिए कितना इजीली वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उनको डिसीजन मेकिंग पावर्स में रिप्रेजेंटेशन दिया है मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का जो तरीका है वो भी काफी हद तक ईजी हो जाएगा और इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ बेटर कम्युनिकेशन, डेफिनेटली अगर ज्वाइंट कमेटी बनाई है या वेरियस कमेटीज हैं और वर्कर्स को इन्वॉल्व किया है तो कम्युनिकेशन बेटर होगा। आप इसको छोटे से एग्जांपल से समझिए कि अगर वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में कोई मीटिंग हो रही है थ्रू WPM, दैट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, तो आप देखिए कम्युनिकेशन कितना बेटर है। अभी मैंने डिफाइन किया कि अगर कोई वर्कर और मैनेजर बात करें, मान लीजिए कि कोई एक वर्कर मैनेजर के पास शिकायत ले गया कि साहब ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है इंडस्ट्रीज में, तो क्या वो अपनी बात को रख पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वो इसी चीज को वर्कर्स कमेटी के थ्रू रखेगा तो उस पर जल्दी एक्शन होगा, तो इट इंप्रूव द बेटर कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ विल सी द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए इस प्रोसेस का ओरिजिन कैसे हुआ, याद रखना ये मिस्टर सिडनी वेब है ना, मिस्टर सिडनी वेब ये आपको ना किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो डेवलपमेंट हुआ है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो इनका कंट्रीब्यूशन कैसे है, द ओरिजिन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कैन बी ट्रेस बैक टू द विलिंग्स ऑफ फैबियंस। फैबियंस का मीनिंग क्या होता है? देखिए फैबियंस का मीनिंग होता है, फैबियंस एक्चुअली क्या था, फैबियंस एक पुरानी सोसाइटी थी। फैबियंस आर कॉल्ड अ मेंबर्स और सपोर्टर ऑफ द फैबियन सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशलिस्ट एमिंग टू अचीव सोशलिज्म बाय द ग्रेजुअल रेदर देन रिवोल्यूशनरी मीन्स। तो ये आपके एक सोशलिस्ट थे और इनका पर्पस क्या था, ये चाहते थे कि इंडस्ट्री डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्ट्रेस द जो भी इंडस्ट्री डेवलप कंट्रीज हैं उनको स्ट्रेस करना चाहिए टू द नीड ऑफ यूनिटी एंड कॉपरेशन अमॉन्ग पार्टनर ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअली क्या है, जो हमारा WPM है ना वो भी यही है। WPM द कॉन्सेप्ट रिसीव फर्दर इम्पैक्टस फ्रॉम द ओरिजिन ग्रोथ ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। एक्चुअली क्या था, देखिए पहले जो कंट्रीज होती थी कहीं पे फेडरलिज्म था और कहीं पर मोनार्किस्ट थे, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है जो दूसरी कंट्रीज में धीरे धीरे डेवलप हुई है, US, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया। इंडिया में भी पहले राजा हुआ करते थे, उसके बाद पॉलिटिक्स आई, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ। तो जैसे ही पॉलिटिकली डेमोक्रेसी जो है डेवलप हुई इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इट जनरेट्स, इट अराइज द नीड ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो। सो इट मीन्स दैट कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट बी सर्वाइव, कैन नॉट बी
successful unless the industrial democratic democracy will be not set up. For example, workers' participation in management is fulfilling the criteria of the democracy in any industry. तो इनका भी मतलब था, यानी कि ये जो मिस्टर सिडनी वेब थे ये एक सोशलिस्ट थे. इन्होंने आइडिया फ्लोट किया कि अगर आप कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लेके आ रहे हो तो आपको इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी लाना चाहिए. इट इज द नीड ऑफ दैट टाइम. तो हम कह सकते हैं कि WPM जो कॉन्सेप्ट है वो मिस्टर सिडनी वेब ने डेवलप किया, लेकिन उनका जो आइडिया था वो आइडिया थोड़ा डिफरेंट था. वो इंडस्ट्रीज में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे और सोशल सेटअप करना चाहते थे, लेकिन मॉडर्नाइज वे में धीरे धीरे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो है वो एक डेमोक्रेटाइज प्रोसेस हो गया और एक सोशल प्रोसेस हो गया. यानी कि जो आइडिया सिडनी वेब ने उस टाइम फ्लोट किया था उसका मॉडर्न रूप जो है या मॉडर्न डेवलपमेंट जो है वो है आपका WPM. अब बात करते हैं उस टाइम की कि क्या ऐसी कंडीशंस थी जिसकी वजह से ये WPM वर्कर्स WPM जो है वो डेवलप हुआ. द फर्स्ट कंडीशन थी डिमांड ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन ड्यूरिंग द टू वर्ल्ड वार्स. देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उनको सप्लाई करना था मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड चीजों को, ताकि वर्ल्ड वार में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सर्वाइव कर सके. तो सबकी सब इंडस्ट्रीज पर डिपेंड थे. तो जब ये कंडीशन पैदा हुई तो उसमें इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस हुई दैट वुड एंश्योर अनइंटरप्टेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. अब मान के चलिए कि किसी इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है, इंडस्ट्री में काम हो रहा है और वर्कर्स को सही तरीके से प्रोसेस में, मैनेजमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिस्प्यूट है, तो वो स्ट्राइक पर चले जाएंगे. अगर मान लो स्ट्राइक पर चले गए, उनकी ट्रेड यूनियंस है, अगर उनको कोई एक दूसरा तरीका, एक प्रॉपर सेटअप दे दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ WPM, उनको पार्टिसिपेट कर लिया जाए प्रोसेस में, तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाएगा, और रिजॉल्व हो जाएगा तो जो इंडस्ट्रीज है उनका अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन चालू रहेगा, यानी उनके प्रोडक्शन में कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा. तो ये था फायदा, या ये था नीड ऑफ दैट टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द WPM. सेकेंड, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो एंटरप्रेन्योर थे उन्होंने अपने मैनेजमेंट सेटअप करना शुरू किया. मतलब पहले तो क्या मालिक था, डायरेक्ट इंडस्ट्रीज को मॉनिटर करता था, बट धीरे धीरे जैसे मैनेजमेंट डेवलप हुआ तो मैनेजमेंट ने इस प्रोसेस को एक्सेलरेट किया विद द पेस दैट कि अगर आपको इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनलाइजेशन चाहिए तो आपको WPM लाना पड़ेगा. तो दो रीजन थे, एक तो ये कि डिफरेंशिएशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर धीरे धीरे सेटअप हुआ, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योर का डिफरेंशिएशन हुआ, अलग अलग हुए दोनों. तो मैनेजमेंट ने बोला कि देयर इज नीड ऑफ द प्रोसेस जो वर्कर्स को पार्टिसिपेट कर सके ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो अनइंटरप्टेड रहे, और दूसरा वर्ल्ड वार की नीड थी कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो अनइंटरप्टेड रहे. उसके लिए भी उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा मेथड होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, ताकि वर्कर्स को हम इन्वॉल्व कर सकें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और इनको इन्वॉल्व कर सकें मेंटली और सोशली और साइकोलॉजिकली टू द इंडस्ट्री. ये दो कंडीशंस भी आप याद रखना कि जिन्होंने WPM को डेवलप किया. नाउ वी विल सी नेक्स्ट व्हाट आर द प्रोसेस ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट. अब देखिए इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में क्या हुआ. सबसे पहले मिल कमेटी फॉर्म हुई, वो फॉर्म कब हुई, वो आपकी फॉर्म हुई इन द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th century. अब ये क्या था, वी कैन से दैट समहाउ दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट द प्रोसेस लाइक वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया. यानी कि हम कह सकते हैं कि मिल कमेटी जो फॉर्म हुई थी, इट वॉज द फर्स्ट कमेटी जिसने वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया इन इंडिया में.
बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे. एक्चुअली क्या था, इट विच मर्ली वॉज टू असर्टेन एंड रिप्रेजेंट द ग्रीवियंसेस ऑफ द वर्कर्स, बट द मैनेजमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द कमिटीज एज स्पोकन ऑन बिहाफ ऑफ द इमर्जिंग ट्रेड यूनियंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ विच दे प्रिफर टू इग्नोर. तो सच कंसल्टेशन वॉज अ रूडिमेंट्री टाइप, बट वी कैन से दैट इट वॉज सिग्निफिकेंट एंड इट वॉज फर्स्ट ऑफ काइंड इन द कंट्री. मिल कमेटी जो फॉर्म हुई थी ये इंडिया में फर्स्ट कमेटी थी जिसने वर्कर्स को रिप्रेजेंट किया. बट एक्चुअली क्या था, मैनेजमेंट ने इसको माना नहीं, बिकॉज कि वो ये मान के चल रही थी जो ट्रेड यूनियंस थी ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. उस टाइम जो ट्रेड यूनियंस बहुत ज्यादा मतलब एजिटेशंस क्रिएट करती थी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती थी और मतलब लड़ती रहती थी. तो उस समय के माहौल को हम कह सकते हैं कि उस समय WPM का फुल डेवलपमेंट नहीं था. बट इज दिस टाइम इन द फॉर्म ऑफ फिल्म मिल कमेटी इन इन इंडियन इंडस्ट्रीज में वर्कर्स पार्टिसिपेशन टाइप की कोई प्रोसेस होती है, उसने दस्तक दे दी थी. तो मिल कमेटी सबसे पहला प्रोसेस था जिसको हम कह सकते हैं कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ मिल कमेटी इन द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th century. नाउ सून आफ्टर द वर्ल्ड वॉर कई सारे डेवलपमेंट हुए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1920 कंस्टिट्यूटेड अ जॉइंट कमेटी इन द प्रिंटिंग प्रेस. रेलवेज, उन्होंने ज्वाइंट कमेटी कंस्टिट्यूट भी करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने. ड्यूरिंग द सेम पीरियड टाटा आयरन स्टील कंपनी ने भी इस तरह की कमेटीज को इंट्रोड्यूस किया. तो देखिए सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th century में इस तरह की कमेटीज ने फॉर्म होना शुरू कर दिया था. बट ये था कि ये जो प्रोसेस है डेवलप होके धीरे धीरे आज हम 2020 में बैठे हैं. आज की डेट में जो WPM प्रोसेस है और 1920 में जो WPM प्रोसेस था उसमें बहुत डिफरेंस था. जैसे कि यहाँ पे देखिए, उसने इस WPM इस मिल कमेटी को एक ट्रेड यूनियन की नजर से देखा कि भाई ये एजिटेशन करेंगे, इनकी बात मैं नहीं मानना. लेकिन आज की डेट में कई सारे प्रोसेस हैं जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि 1920 में और 2020 में क्या डिफरेंस है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट प्रोसेस. बट यहां से हमको केवल एक आइडिया लेके जाना है कि मिल कमेटी फॉर्म की, उसके बाद ज्वाइंट कमेटी गवर्नमेंट ने फॉर्म की किसमें, प्रिंटिंग प्रेस में, रेलवेज में, और टाटा आयरन स्टील में जमशेदपुर में भी इस तरह की कमेटीज को फॉर्म किया गया ताकि वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जा सके मैनेजमेंट की प्रोसेसेस के अंदर. वी कैन से समहाउ दैट ये दस्तक थी जिसमें WPM वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया. ओके, नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट. यू सी, अब एक बात देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले एक जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी फॉर्म हुई थी. कब? महात्मा गांधी जी ने फॉर्म की थी, एक मिनट रुकिए, ये जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी एंड परमानेंट आर्बिट्रेशन. अब इसका पर्पस क्या था, देखिए एक्चुअली क्या हुआ था कि अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल में स्ट्राइक हुआ. अब महात्मा गांधी जी ने एक सजेशन दिया कि आप स्ट्राइक को, इस कॉन्फ्लिक्ट को आप सॉल्व करो बाय फॉर्मिंग अ जॉइंट कंसल्टेशन कमेटी. और अगर आप इस जॉइंट कंसल्टेशन कमेटी से सेटिस्फाई नहीं होते हो तो एक परमानेंट आर्बिट्रेशन बोर्ड होगा. देखिए ये सारे के सारे जो वर्ड है ना, आप जब ये सारे एक्ट पढ़ेंगे आगे और ये जो प्रोसेस पढ़ेंगे कि इंडिया में किस तरह की प्रोसेस है WPM के लिए, उसमें आपको मैं क्लियर करूंगा. यहां पर केवल आप याद रखिए कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल में जो स्ट्राइक हुई थी उसको सॉल्व करने के लिए ज्वाइंट कंसल्टेशन कमेटी की, जिसमें एम्प्लॉयर और वर्कर्स को इन्वॉल्व किया. उनको लगा कि अगर इस ज्वाइंट कंसल्टेशन कमेटी से जो स्ट्राइक है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो सॉल्व नहीं होगा तो परमानेंट आर्बिट्रेशन बोर्ड को भी इन्होंने फॉर्म किया. ठीक, बट अब क्या हुआ, इसका जो स्कोप था वो म्यूचुअल कंसल्टेशन वॉज कन्फाइंड लार्जली टू द ग्रीवियंस ऑफ द वर्कर. उसमें वर्कर्स के कुछ ग्रीवियंस थे, उसका जो मोटिव था, इस म्यूचुअल कंसल्टेशन का जो प्रोसेस था वो टोटल डिपेंड करता था, और जो टोटल जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो ग्रीवियंस ऑफ द वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था. बट अब इसका आउटकम क्या आया,
yet the Ahmedabad agreement may be regarded as a milestone in the history of the joint consultation in our country. अब देखिए मिल कमेटी फॉर्म हुई, उसने WPM को इंट्रोड्यूस किया. अब एक जो जॉइंट कंसल्टेशन प्रोसेस है, जो वर्ड है, वो सबसे पहले कब शुरू किया गया? वो शुरू किया महात्मा गांधी ने जब अहमदाबाद में मिल, जो टेक्सटाइल मिल की स्ट्राइक हुई थी. उसके बाद क्या हुआ? फ्रॉम 92 ऑनवर्ड्स जॉइंट कमेटी ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट वर फॉर्म इन बंगाल. दूसरे दूसरे हिस्सों में भी देश के इस तरह की ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी फॉर्म होना शुरू हुआ. इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है वर्कर्स वेलफेयर कमेटी जो फॉर्म हुई थी बकिंगम एंड द कार्नेटिक मिल्स मद्रास. इसका नाम अभी चेंज कर दिया है चेन्नई, आई मेंशन इट. तो वर्कर्स वेलफेयर कमेटी फॉर्म हुई कौन सी? ज्वाइंट कंसल्ट JCM ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैनेजमेंट कमेटी. इसके बाद द कमेटी हैड द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विद द वर्कर्स बाय डिस्कशन ऑन मैटर रिलेटेड टू द वेलफेयर. ये जो कमेटी फॉर्म हुई वर्कर्स वेलफेयर कमेटी बकिंगम एंड कार्नेटिक मिल्स मद्रास में, उसका जो मेन मोटिव था वो वर्कर्स के वेलफेयर के जो मुद्दे थे, जो इश्यूज थे, उनको डिस्कस करना विद साउंड रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. अब देखते हैं इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट क्या हुआ इंडिया में. देखिए ये बहुत जरूरी है, इसमें वर्कर्स, ये जो रॉयल कमीशन है, देखिए रॉयल कमीशन क्या था, रॉयल कमीशन को हेड किया था सर जॉन हेनरी वाइट ने, और ये रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो था ये 1929 में फॉर्म हुआ था और इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1931 में. तो ये जो रॉयल कमीशन ऑन लेबर फॉर्म हुआ था, जॉन हेनरी वाइटले जिसके चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी फॉर WPM. और वो रिकमेंडेशंस क्या थी, वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. देखिए द फॉर्मेशन ऑफ वर्क कमेटी, वर्क कमेटी उस समय वर्कर्स कमेटी थी, इट इज अ पार्ट ऑफ द WPM प्रोसेस एंड व्यू दैट इफ दे आर गिवन प्रॉपर एनकरेजमेंट and past errors को avoid कर दिया जाए, these committees can play a useful part in an industrial relations system along with the works committee. The commission also started the setting up of the joint machinery for the internal settlement of the dispute on the pattern of the information committee formed at the time of the Ahmedabad textile mills. इन्होंने क्या दो बातें बोली, इन्होंने recommend किया कि workers committee अगर आप form करते हो और जॉइंट कंसल्टेटिव प्रोसेस JCM कमेटी अगर आप फॉर्म करते हो, जो जैसे आपने अहमदाबाद मिल्क टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के टाइम में जो स्ट्राइक हुई थी उस टाइम जो फॉर्म की थी, और इस तरह की प्रोसेस को अगर आप एनकरेज करते हो तो ये इंडस्ट्रीज के बेनिफिट के लिए अच्छा है. अगर आप उनकी पास्ट एरर्स को अवॉइड कर देते हो, पास्ट एरर्स क्या थी जो हमने देखा था, मिल कमेटी फॉर्म हुई थी उस प्रोसेस में इंडस्ट्रीज के जो ओनर थे, इंडस्ट्रीज की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने इन कमेटीज को ट्रेड यूनियन की तरफ देखा, और उस समय की ट्रेड यूनियन बहुत ही ज्यादा एजिटेशंस करती थी, स्ट्राइक करती थी और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे. अगर आप उन एरर्स को अवॉइड करके इनको प्रॉपर वे में फॉर्म करते हो तो इट विल डेफिनेटली हेल्प द इंडस्ट्रीज इन इंडिया. अब उसके बाद क्या हुआ, इसकी रिकमेंडेशंस तो आ गई, बट क्या हुआ कि 1930 में आपको याद होगा एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था. अभी कोरोना चल रहा है, उस टाइम भी कोई इकोनॉमिक डिप्रेशन था, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा हलचल थी. तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिटोरिएशन इंडस्ट्री रिलेशंस बिकॉज ऑफ द वेज कट्स, रेशनलाइजेशन एंड इमरजेंस ऑफ मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म अंडर द कम्युनिस्ट. दो तीन रीजन थे क्या हुआ कि उस समय इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, तो उसकी वजह से बहुत सारा वेज कट हुए, रेशनलाइजेशन हुआ वेजेस को लेके, और इमरजेंस ऑफ मिलिटेंट ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन बहुत मिलिटेंट टाइप की हो गई थी. तो उन सब चीजों को देख के जो इसकी रिकमेंडेशंस थी उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका. लेकिन अगर हम बात करें कि अगर वर्ल्ड वार सेकंड जब हुआ तो उस समय फिर इनको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए था, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन. तो उस टाइम में फिर से मैनेजमेंट ने सोचा कि अगर कोई भी ऐसा रूल बनाया जाए जो प्रोहिबिट करे स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स को, और
जो हमारा इंडस्ट्रीज है उसमें फ्री फ्लो प्रोडक्शन हो सके विथ क्वालिटी आउटपुट, ताकि वर्ल्ड वाइड में जितनी जरूरत है चीजों की वो इंटरप्ट ना हो। उसके लिए मुझे लग रहा है, मतलब इनको लगा कि कोइंसिलेशन और आर्बिट्रेशन जैसी कोई प्रोसेस इंडिया में होनी चाहिए। अगर आप देखें कोइंसिलेशन प्रोसेस जो है, आर्बिट्रेशन जो प्रोसेस है, ये सारी की सारी WPM के पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने फिर एक बार दोबारा से WPM, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को की जरूरत को जगा दिया, क्योंकि उनको लगा कि भाई मैं तो ट्रेड यूनियंस की लॉकआउट और स्ट्राइक्स को नहीं रोक सकता जब तक कि कोई ऐसी कंसल्टेशन, कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस नहीं हो जाती। अदरवाइज ट्रेड यूनियन से लड़ना, ट्रेड यूनियन से बात करना इज अ वेरी हैक्टिक प्रोसेस। तो इट वॉज द नीड ऑफ दैट टाइम दैट कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट टाइप के कुछ होना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन थी रॉयल कमीशन की। नाउ यू सी द नेक्स्ट प्रोसेस, आगे क्या हुआ। अब देखिए डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 1940s में क्या हुआ, विद ऑल दी सेटबैक्स, ज्वाइंट कंसल्टेशन डिड नॉट एंटायरली डाई बट हैड रिसीव टू द बैकग्राउंड एट द प्लांट लेवल। अब क्या हुआ कि ज्वाइंट कंसल्टेशन जो था ना, वो केवल प्लांट लेवल पे आके रुक गया, वो मतलब बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। द वार टाइम डेवलपमेंट हाउएवर लेट द लेबर मैनेजमेंट गवर्नमेंट टू कम क्लोजर। वार टाइम में मान सकते हैं इस बात को कि लेबर और मैनेजमेंट गवर्नमेंट जो है वो क्लोज आए, बट अराउंड द सेम टाइम द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ, देखिए तीन चार कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसने गवर्नमेंट को, मैनेजमेंट को और लेबर्स को, यानी वर्कर्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं, उनको आपस में पास ला दिया, क्लोज ला दिया। उसका फायदा क्या हुआ, देखिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इन 1942। द कॉन्फ्रेंस वॉज मॉडल ऑन द पैटर्न ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई हाँ WPM कंसल्टेटिव प्रोसेस जैसा कुछ होना चाहिए। आप ट्रेड यूनियन से बात करके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जा रहा है, बहुत ज्यादा टाइम टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा है। कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसी प्रोसेस भी आपकी मतलब कोई फायदेमंद नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि वर्कर्स को कैसे भी करके आप पार्टिसिपेट कराओ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, और जब उनको आप कंसल्टेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व करोगे तो वो आपके ज्यादा इफेक्टिव होगा फॉर सॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट, फॉर सॉल्विंग अ इंडस्ट्री डिस्प्यूट। तो इस तरह की जो इंटरनेशनल इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई 1942 में, इस तरह के मुद्दों को उन्होंने, इश्यूज को उन्होंने उठाया। उसके बाद एक प्रोसेस हुई नेशनल प्लानिंग कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज फार बैक एज 1942 में। उसने भी रिकमेंड किया कि नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक इंजीनियरिंग एंड हैवी एक्सप्लोजिव, ऑल्सो द कमेटी हैड सजेस्टेड बोथ द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कम्युनिटी, इट हैज डिजायरेबल टू एसोसिएट वर्कर्स प्रोग्रेसिवली। इसने भी बोल दिया भाई कि वर्कर्स को इन्वॉल्व करो इंडस्ट्रीज में। इसने बोला था कि नेशनलाइजेशन करो इंजीनियरिंग एंड हैवी एक्सप्लोसिव का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, ऑफ अ इंडस्ट्री इन इंडिया। बट उसने एक बात और साथ में बोल दी कि वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करो प्रोग्रेसिवली। तो इसने भी कहीं ना कहीं ये बात उठा दी कि भैया WPM लेके आओ इन इंडिया। नाउ एक प्रोसेस और हुई, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर ऑल्सो एंडोर्स द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन, द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये बहुत पावरफुल थी उस टाइम। इसके भी जो व्यूज थे उसने भी कहा कि भैया WPM को इंट्रोड्यूस करो, वर्क कमेटी, वर्क कंसल्टेटिव प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करो इंडिया में। आफ्टर अटेंडिंग इंडिपेंडेंस, उसके बाद का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट था वो था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसको हम बात करेंगे बाद में कि इसके थ्रू आप कैसे WPM, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को डेवलप रिप्रेजेंट करते हो, या किस तरह की प्रोसेस है इंडिया में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दी हुई है। इसी तरह का एक प्रोविजन कहीं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में भी दिया हुआ है। फैक्ट्री नाइनटीन एक्ट 1948 में एक बाइपार्टाइट कमेटी को उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की बात की थी, सेटअप करने की बात की थी, जो
जो आपके WPM प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, जैसे कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का इंट्रोडक्शन हुआ इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू फैसिलिटेट कॉपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट इन इट्स एम्प्लॉय। उसके बाद वर्कर्स को रिप्रेजेंट भी किया गया ऑन द बोर्ड मैनेजमेंट इन सर्टेन पब्लिक अंडरटेकिंग। सो इन इन अ नटशेल वी कैन से दैट डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1940 देयर वर अ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस कमेटी, जस्ट लाइक नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल कांग्रेस, नेशनल इन द इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। इन्होंने जितनी भी इनकी कॉन्फ्रेंसिस हुई, जितने भी उनके कमिटीज ने डिस्कशन किया, उसमें केवल एक ही बात निकल के आई कि ट्रेड यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग जो प्रोसेस है उसको अगर उससे हम कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं तो उतने अफेक्टिव वे में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और धीरे धीरे ट्रेड यूनियंस की और कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस की सिग्निफिकेंस जो है वो डिटोरिएट हो रही थी टाइम के साथ। तो WPM यानी कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट की जरूरत है ताकि वर्कर्स को पार्टिसिपेट कराया जाए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए, और ये जो कंफ्लिक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए ताकि जो प्रोडक्शन है उसको इंटरप्शन से रोका जाए। तो ये नटशेल में वी कैन से दैट, और ये सारा का सारा जो था ये ओरिजिन इन डेवलपमेंट इन इंडिया था। तो फ्रेंड्स ये था मेरी तरफ से अभी के लिए। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस वेरियस फॉर्म्स, वेरियस टाइप्स ऑफ द जॉइंट कंसल्टेशन प्रोसेस, और जो इंडिया में प्रोसेस होती हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें से पिछली बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, बाकी ये ओरिजिनल डेवलपमेंट को आप याद कर सकते हो सकता है कि यूपीएससी का दिमाग अगर हो गया कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछो, कब हुआ था, मिल कमेटी कब फॉर्म हुई थी, इंडिया में WPM कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसको देखते हुए मैंने आपको शॉर्ट में ये बता दिया है। बाकी जो मेन पार्ट है वो अपने सेकंड वीडियो लेक्चर में अटेंड करेंगे। सो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों, पढ़ते रहिए जोश के साथ।